साथ हमको तो गड़बड़ लग रहा है यार। अन्ना रुस्तम का नंबर बांध तो नहीं हूं। अरे उस्ताद कहीं लड़की देख के उसका दिमाग तो नहीं फिसल गया? अरे बकवास बंद कर, ऐसा नहीं कर सकता हो। अरे नौशीन घर नहीं आया अभी तक, हमने उसको फोन किया, फोन भी बंद जा रहा है। कॉलेज फोन किया, वो बोलता नौशीन तो आज आया ही नहीं। क्या तुम्हारे को मिला था क्या नौशीन? नहीं नहीं हमको नहीं मिला है। तुम अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझ सकती हो, और अगर इन हालात में तुम्हारे अब्बा दूसरी शादी कर रहे हैं ना तो ठीक है कर लेने, पर मैं तो मना भी नहीं कर सकती। थाने में रिपोर्ट करते हैं। अरे तुम समझदार होकर कैसी बातें करता है? अगर हमने रिपोर्ट लिखवा दिया और वो घर वापस आ गया तो लोगों को क्या बोलेगा? तुमको मालूम है ना लोग कैसी कैसी बातें करता है। और अगर हम इस तरह बैठे रहे तो कुछ नहीं बोलेगा इलाके का लोग, थोड़े टाइम बाद आके खुद पूछेगा कहां है नौशीन, फिर तुम क्या बोलेगा? अपने बेटे के लिए किसी अच्छी फैमिली की लड़की का रिश्ता देख रहे हैं और मैं उनकी हेल्प करूं। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने आपसे मेरे बारे में बात की। ऑब्वियसली बेटा, और देखो ना वो बातों बातों में कई दफा तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं, यही कहना चाह रहे थे ना? बाबा लेकिन अभी उन्हें बहुत जल्दी, जाहिर है वो लंदन से आए हैं, जल्दी शादी करेंगे, वापस अपनी बहू को साथ ले जाना चाहेंगे। मुझे तो अभी वक्त चाहिए। वो नादिर वाला बात तो आपको पता है ना, वो बस स्टॉप पे उसको तंग कर रहा था, फिर हम उसकी अम्मा के पास गया था शिकायत देकर। हाँ नादर का दिमाग में तुम तीनों के बारे में फुसूर है, और तुम उन तीनों के बारे में कुछ सोच सकता है गलत। अरे हमने भी यही बोला है लेकिन शायद मान ही नहीं रहे। हम कह कह के थके, चले उठो ताने चलते चल के रिपोर्ट लिखा दे, लेकिन नहीं। तो जो समझ चुके होगा कि हम क्यों आए। अरे चाचा हमको क्या पता है, अरे तू कुछ बोलेगा तो पता चलेगा ना। शायद गबेन अभी तक घर पे नहीं आया है। अच्छा चाचा तुझे पता है कितना बड़ा केस है ये? अभी तो तेरे को समझा रहा है अम्मा। तो ठीक है जाके अपने पोते को डरा, जो तू समझ रहे ना वो हमने नहीं तेरा पोते ने किया है। हमको तो किसी ने तंग नहीं किया, वो तो हम आते जाते देखता है ना, तो इस वजह से हमारे जहन में ख्याल आया कि ऐसा लोग क्यों होता है, कि उनके अंदर का खराबी है या बाहर के माहौल का। हमको अंदाजा है तुम हमें डॉक्टर बनाने के लिए बड़ा मेहनत कर रहा है, हम भी मेहनत कर रहा है, हमारा भी मेहनत रंग लाएगा। हमको एक बात का तो यकीन है, हम सब का सब मिलके एक ना एक दिन इस लियारी का नक्शा बदल देगा। शायद भाई, शायद भाई पानी।
हेलो। अरे दादा, अरे हमको तुमसे मिलना है। एक मिनट होल्ड कर। अरे कहाँ है तू रुस्तम? हमको भी तुमसे मिलना है रे दादा। हाँ आड़म। नहीं नहीं अभी नहीं, सुबह हम तुमको बताऊंगा कि तुमको कहाँ मिलना है। अरे हम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तू किधर है, कहाँ हो तुम? हमको अभी मिलना है तुमसे। अरे दादा अभी पुलिस का बहुत खतरा है, अरे तुम भी पकड़ा जाएगा। लड़की कहाँ है? अरे दादा वो अपन के हाथ से निकल गया ना। अरे क्या बकवास कर रहे तुम? और कब से तुम लोग का फोन बंद है? हम आ रहे हैं अभी तुम्हारे पास, कहाँ है तुम? अरे हम तुमको फोन पे नहीं बता सकता ना, हम तुमको खुद बताएगा फिर। अरे क्या बकवास कर रहे तुम? इतने दिन से तुम फोन बंद करके रखा हुआ है। हेलो, अरे मेरा बात सु... परेशान नहीं हो, चाय माय पियो, तुम्हारे लिए केक शेक मंगवाता है या दो केक लेके आयो। फिर क्या करें, अस्पताल चल के ढूंढे? दिलावर हमारा तो दिल बैठा जा रहा है, आपको डर लग रहा है, अल्लाह ना करे नौशीन के साथ कोई आता माता ना हो गया हो। हमारा ख्याल है अस्पताल जाने से पहले कॉलेज के आसपास पूछपाछ कर लेते हैं लोगों से। हाँ अभी चलते हैं। क्या हुआ फिर, वो सद्दाम भाई का कॉल आया? अरे नहीं यार, फैसल ने उसको सही टाइट कर दिया था, वरना वो तो हमारे सर पे चढ़ा जाता कि जैसे हमने उसकी बहन को अगवा किया है। हाँ पर उन दोनों का एक ही दिन पे गायब होना, ऐसा लगता है कोई ताल्लुक वास्ता है। अरे पर कोई सिरा भी तो नहीं मिल रहा है। अरे खुदा करे मिल जाए, वो नौशीन बस कैरियत से हो। इंशाल्लाह। अरे तुम थोड़ा सा तो खाओ, पकड़ो तो यार। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है। अरे साला कैसे पुलिस वाले ने हमको देख लिया, मैं वहां से जल्दी से भागा। मैंने कहा लड़की को पकड़ कर गाड़ी में डालूं और निकल जाऊं। भाग गया? भाग कैसे सकता है, उसके मैं भागने दूं तब ना। अरे रुस्तम क्यों पका रहा है? अरे तेरा ये फिल्म का स्टोरी सुन के ना हमारा दिमाग पक्के है। अक्सर पेशेंट इस हालत में होते हैं कि वो अपने बारे में बता नहीं सकते, तो आप एक बार वार्ड में जाकर चेक कर लें। हम आपका बात समझा नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है आपकी बहन इस हालत में हो कि अमला उसकी शनाख्त ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। हम भी कोशिश कर रहा था, अब एक सुराग मिला है हमको। किसी ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया और मर गया वो। मर गया? अरे क्या बोल रहे हो तुम? अरे दादा तुम्हारा बात हुआ है ना, रुस्तम हमको इधर मिलेगा क्या? अरे हमारा बात हुआ है उससे, बदुआ करो इधर ही हो वो। अरे अरे वो है, आओ रे चलो। अरे रुस्तम, अरे तू किधर है रुस्तम? अरे कहाँ गायब है, आपको लड़की क्या बता? अरे नादिर भाई, उस दिन मैं लड़की का पीछा कर रहा था, वो लड़की तो बहुत चालाक था, वो समझ गया नहीं कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। अरे आगे बोल। अरे साला कैसे पुलिस वाले ने हमको देख लिया, मैं वहां से जल्दी से भागा। मैंने कहा लड़की को पकड़ कर गाड़ी में डालूं और निकल जाऊं। भाग गया?
वो भाग कैसे सकता है? उसके मैं भागने दूं तब ना? अरे रुस्तम क्यों पका रहा है? अरे तेरा ये फिल्म का स्टोरी सुन के ना हमारा दिमाग पक्के है। आगे बोल। आहिस्ता बोल आहिस्ता। अगर किसी ने मुझको यहाँ देख लिया ना तो तुम भी घर नहीं जाएगा। अच्छा बोल। अरे नादर भाई वो लड़की भाग गया, गाड़ी से टकराया, उसके आजू बाजू पब्लिक का रश, पता है वहां से चंद लोग कह रहे थे ये लड़की मर गया। मर गया? बचन गया, हमारा बहन है, इसको कहीं अगर देखा है तो हमको बताओ। सर पेशेंट तो आते रहते, शक्लें तो याद नहीं रहती, नाम के डेटा से मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ उसका नाम नौशीन है, आप चेक करो। नौशीन, नौशीन। इस नाम से तो पेशेंट पिछले एक वीक से नहीं आया कोई भी। अरे भी टाइम जाया नहीं करो, किसी और हॉस्पिटल चलते हैं, आ जाओ, दिल छोटा नहीं करो, आ जाओ। तेरे को क्या लगता है वो लड़की मार गया होगा? अरे नादिर भाई हमको क्या मालूम, हमको तो खुद पुलिस वाला पकड़ के ले गया वो पुराने कार की चोरी में। अरे मुश्किल से मैंने अपना जमानत करवाया है। ये साला सारा काम ही उल्टा हो गया। नादिर भाई हमने तो अपनी तरफ से कोशिश बहुत की मगर सारा काम उल्टा हो गया, इसमें हमारा क्या कसूर? को लगता है कि उनको बताना चाहिए ताकि उसको ढूंढ ले। देख लो दादा, सीधा पर्चा हम पे करवाएंगे, हम पे, उनको पूरा शक हम पे है। देखो वीडियो हमने बनाया, ये तो उनको पहले से ही शक है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ है इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है ना, और हमको तो कार भी चलाना नहीं आता। दादा देख लियो। हाँ देखा हुआ है उनको भी और ताना वालों को भी। हेलो। हाँ हेलो, आप क्या बना तुम्हारा बहन का? हम कोशिश कर रहा, ढूंढ रहा, उसको मिल जाएगा। हम भी कोशिश कर रहा था, अब एक सुराग मिला है हमको। किसी ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया और मर गया वो। मर गया? अरे क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये जरूरी थोड़ा ही है कि ये सच हो गए। तुम्हें काम करो, तुम वो अस्पताल में जाके देखो दोनों जगह पे। अरे कौन सा दोनों जगह? अरे एक तो वहां जहाँ अस्पताल में सबको रखता है ना मरीज लोगों को, और दूसरा वो जहाँ बाद में रखता है ठंडा कमरा में। अरे क्या हुआ है? अरे कौन था? नादिर भाई बोल रहा उसको कबर मिला है कि हमारा बहन। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, वो खतरनाक आदमी है, सिर्फ परेशान करना चाह रहे तुमको। चलो अंदर चल के मालूम करते, आ जाओ, परेशान नहीं हो, चलो चलो छोड़ो छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम, आपको कोई नौशीन नाम का लड़की यहाँ पे आया है? सर मैं चेक कर लेती हूँ। सर कोई नहीं है इस नाम का। एक बात और, अक्सर पेशेंट इस हालत में होते हैं कि वो अपने बारे में बता नहीं सकते, तो आप एक बार वार्ड में जाकर चेक कर लें। हम आपका बात समझा नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है आपकी बहन इस हालत में हो कि अमला उसकी शनाख्त ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। आप ऐसा करें, आप एक नज़र जाके वार्ड में चेक कर लें। हम वार्ड क्या, हम पूरा अस्पताल चेक कर लेगा आप? इन्हें वार्ड में। ठीक है मैडम, ठीक, आइए आइए।
एक्सक्यूज मी, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ वो हम ये मेरा पेशेंट है, आप किसको ढूंढ रहे हैं? हमको लगा जैसे हमारा बहन नौशीन है वो मिल नहीं रहा है हमको। अगर आपका इजाजत हो तो हम इसका चेहरा देख लें। जी नहीं, आप जा सकते हैं प्लीज। मैंने कहा ना जाएं प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे थे ना? जी आंटी। तो कैसा हुआ पेपर तुम्हारा? बहुत अच्छा। गुड। रीता भी एडमिशन लेना चाह रही थी इवनिंग क्लासेस में। मैंने तो कब से कहा है, घर में पड़ी बोर होती रहती है, एटलीस्ट बिजी तो हो जाएगी ना। ये मेरी वाइफ इनाया और ये मेरी बेटी उरूज और ये मेरी भतीजी रिदा। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज ये जल्दी से दवाई ला देंगे? आप क्या लगते हैं इसके? ये हमारा दोस्त है। फैसल या दिलावर? अरे आपको कैसे पता? नौशीन, नौशीन उत्तर, नौशीन क्या हुआ तुमको? क्या हुआ नौशीन को? अरे नौशीन, इसके सर में इंजरी हुई है, कोमा में है। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगी पर टाइम लगेगा थोड़ा। अरे इस नादिर से ना हमको दो दो हाथ करना पड़ेगा। अरे फिर कोई मसला हुआ है क्या? अरे पहले उसने हमारा लड़ाई करवाने के लिए हमारा वीडियो बनाया और फिर अगले दिन नौशीन गायब हो गया और फिर आज उसने शाहिद को फोन किया कि नौशीन का एक्सीडेंट हो गया और शायद वो मर गया है। हमको लगता है वो सही कह रहा था, नौशीन को कुछ हो गया। हमारा तो हिम्मत नहीं है ये बात सुनने की। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलो। हमको लगता है हमें एक बार फिर हिम्मत करनी चाहिए उसको देखने की। हाँ पर कहाँ, हर जगह तो देख चुका। अरे कहीं और नहीं, उसी वार्ड में देखना है। अरे लगता हमको भी था, लेकिन उसके साथ जो लड़की है ना वो बोला वो हमारा मरीज है। फिर वो उसका शक्ल क्यों नहीं देखने दे रहा है? हाँ हमको भी शक हुआ था, उसका पाँव बिल्कुल ना नौशीन की तरह था। चलो चल के देखते हैं उसको। अरे अभी कैसे जाएगा, उसने मना कर दिया हमको। अरे अभी नहीं, उसके इधर उधर होने का इंतजार करते हैं, फिर देखेंगे उसको। हाँ तुम ठीक कह रहे हैं, आ जाओ चलो वहीं बैठते हैं चल के। Thank you.
अरे उसको हम क्या बोलेगा, हम यहाँ क्यों खड़ा है? अरे उसको बताया तो है, हम अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं, उसके बाप का अस्पताल थोड़ी है। हाँ पर हमको लगता है उसको वो कहीं आना जाए, उसको पता ना चल जाए। Excuse me, आप प्लीज ये जल्दी से दवाई ला देंगे? आप क्या लगते हैं इसके? ये हमारा दोस्त है। फैसल या दिलावर? अरे आपको कैसे पता? आप मुझे नहीं जानते, बस थोड़ा बहुत ही पहचानते हैं। नौशीन ने मेरा जिक्र तो किया होगा, शानजे नाम है मेरा। शानजे? हाँ वो, अरे तुम्हारा मंगेतर बाहर है ना, और तुम्हारा भाई उसे शादी नहीं करने दे रहा। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। अरे थोड़ा जल्दी कर दो। नौशीन को ढूंढ रहे तुम, तो तुमको मालूम है किधर? जी मुझे मालूम है। अरे कहाँ है वो? अभी जहाँ आप देखे गए वहीं। आइए। नौशीन, 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 उठो नौशीन, क्या हुआ तुमको? क्या हुआ नौशीन को? अरे नौशीन, इसके सर में इंजरी हुई है, कोमा में है, डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगी पर टाइम लगेगा थोड़ा। नौशीन, नौशीन, अरे नौशीन अपने भाई से बात करो, दिला पर इसको देखो क्या हुआ है। नौशीन मिल गया, डॉक्टर को बुलाओ तुम। जी बस वो अभी आ रहे हैं। दिलावर ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? फिक्र ना करो, ये ठीक हो जाएगा। नौशीन ठीक हो ना? हम लोग का पोता है ना फैसल, आज उसका फाइट है। फाइट? अच्छा फाइट है आज उसका, अब तुम देखना वो जीतेगा इंशाल्लाह, जरूर जीतेगा। हाँ देखना तुम। दादा हम जीत गए। बच्चा मुबारक मुबारक। नदीम भाई शुक्रिया। मुबारक। अरे मुबारक है। ठीक है अच्छा, अभी हम चलते हैं। ठीक है। अरे हम लोग का शेर है, हम लोग का शेर है, हम लोग का। अरे शेर है बेटा बेटा, हमको पता था तुम जीत जाएगा। हाँ अरे हमको भी लगता था, लेकिन हम आज साथी तौर पर जीत गया हूँ। अरे क्या बात है, हमको लग रहा है तुम खुश नहीं है। अगर हम खुश होता तो आप ही को नजर आता दादा, हमने उसको इंतकामन तौर पे पंच मारा है और हम जीत गए। वो गिर गया था नीचे, गुस्से में मारा था हमने उसको। अरे खेल में इंतकाम नहीं होता है बेटा। आप खेल में नहीं होता है इंतकाम, हम तुम्हारा बात मानता है, लेकिन दिमाग में तो होता है ना, उसका असर कभी कभार खेल पे भी पड़ता है। क्या बोल रहा है तू दादा? अरे इस नादिर से ना हमको दो दो हाथ करना पड़ेगा। अरे फिर कोई मसला हुआ है क्या? अरे पहले उसने हमारा लड़ाई करवाने के लिए हमारा वीडियो बनाया, और फिर अगले दिन नौशीन गायब हो गया, फिर उसने वो वीडियो शाहिद को भेजा इतने दिन बाद, और फिर आज उसने शाहिद को फोन किया कि नौशीन का एक्सीडेंट हो गया और शायद वो मर गया है। अरे आप खुद देखो कैसा मनहूस आदमी है, ऐसा बोलते हैं नौशीन के बारे में। इसका मतलब है तुम लोग का शक ठीक है, उसको पहले ही दिन से सब पता है, या फिर वही करवा रहा है ये? अरे हम भी तो यही बताने का कोशिश कर रहे हैं तुमको दादा। हम उसका भाँ से बात करेंगे, उसका बहन तो खुद उससे बहुत डरता है। हा? अरे नहीं दादा, वो ऐसा समझने वाला लोग नहीं है। उसको
इसको सही तरीके से समझाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, हम वार्ड में कब जा सकते हैं? अभी डॉक्टर डॉन पे हैं, थोड़ी देर बाद आपको भेजेंगे। थैंक यू। भाई ने तो बस जैसे जिद ही पकड़ ली थी। मैंने नौशीन से भी मशवरा लिया और रियान भी चाहता था कि मैं जल्द से जल्द लंदन आ जाऊं। उसी दिन मेरी फ्लाइट थी, मेरा पासपोर्ट, एटीएम कार्ड सब नौशीन के पास थे, मेरी सारी तैयारी कंप्लीट थी। मैं घर से जैसे लेटर लिख के निकली भाई के लिए, नौशीन का नंबर ही बंद। मुझे क्या पता था किस्मत को क्या मंजूर है, नौशीन ने फोन ही नहीं उठाया। मैं बहुत परेशान थी उस दिन। हाँ, तुम्हारा भाई आया था हमारा घर पे, बोलता हमारा बैंक गायब है, घर नहीं आ रहा, और आखिरी कॉल नौशीन ने उसको किया था। हाँ, तो उसको पता होगा कि अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो नौशीन के पास ही होंगी, वरना लंदन में होंगी। तो क्या आप नौशीन की वजह से बाहर नहीं गया? नहीं नहीं, शायद किस्मत की वजह से। अरे तो आप हमको तो बताता ना। कैसे करती मैं कांटेक्ट, किससे बात करती? ना मेरे पास फोन था, ना किसी का एड्रेस था। मुझे तो नौशीन का भी कॉलेज जाके मालूम हुआ कि किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं यहाँ फौरन आ गई कि देखूँ, पता करूँ कि कौन है वो लड़की। ना नौशीन के पास कोई पर्स था, ना कोई मोबाइल, ना कोई एड्रेस। इसीलिए मुझे एड्रेस के लिए यहाँ हॉस्पिटल में इतने दिन रुकने पड़े, और घर का एड्रेस ढूंढने के लिए मैं यहाँ से निकल नहीं सकती थी। सद्दाम भाई को अगर शक हो जाता तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो हमारे लिए फरिश्ता साबित हुआ है। अगर आप नहीं होता तो ये अस्पताल वाला इस तरह है, अच्छा ख्याल थोड़ी रखता नौशीन का। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अल्लाह करे नौशीन को होश आ जाए जल्द से जल्द। इंशाल्लाह आ जाएगा। अरे अब क्या हुआ बोल? नौशीन जिंदा है, सलामत है और मिल गया है। अरे ये तो खुशी का बात है ना। अरे मुबारक हो तुझे, तेरा बहन मिल गया है। अरे गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे तेरे दोस्त का बहन भी तो तेरा बहन हुआ है ना। अरे जाके मिठाइयां बांटो रे। अरे कैरियत नहीं है, वो ठीक नहीं है। अगर वो ठीक होता तो हमको फोन करके बताना देता कि किधर है वो। हुआ क्या उसको? अरे वो कोमे में है। क्या? पूरा एक्सीडेंट हुआ है उसका, सर पे बहुत गहरा चोट आया है। ये सब उस नादिर ने किया है। अरे हमको नहीं लगता कि नादिर एक्सीडेंट करवा सकता है। अरे दिलावर वो कुछ भी करवा सकता है। पैसा लिए शानजी है, नौशीन का दोस्त। अरे तुम्हारा मतलब है इसने तुमको कवर किया? नहीं, पर इनको पहले दिन से कवर था कि नौशीन का एक्सीडेंट हो गया, वही नौशीन के साथ था। अरे चनी तेरे को ड्रिप लगने वाला है। अरे नाथी भाई वो आ रहा है। अरे आया तो। अरे रुको रे। अरे वो क्या बना हमारा डॉक्टरनी का? अरे तुम्हारे पास बड़ा वक्त है हमारा और हमारे दोस्तों का जासूसी करने के लिए? हाँ, अरे तुम कौन सा न्यूज चैनल में काम करते हैं जिस तुमको हमारा पूरा खबर है? हाँ, अरे आराम से बात करो रे, आराम से। अरे तुम आराम से रहने नहीं देता ना। एक बात याद रखना नादिर, जितना हम बेचैन हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा तुमको बेचैन करेंगे हम। अरे अब क्या हुआ बोल? नौशीन जिंदा है, सलामत है और मिल गया है। अरे ये तो खुशी का बात है ना। अरे मुबारक हो तुझे, तेरा बहन मिल गया है। अरे गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे तेरे दोस्त का बहन भी तो तेरा बहन हुआ है ना। अरे जाके मिठाइयां बांटो रे। नादिर अभी हम जल्दी में, वरना तुझको बताता। देखता तू पहले भी है हमको। अरे जाओ रे। हाँ दिलावर किधर है? अरे हम आ गए हूँ, किधर हो तुम?
जल्दी नीचे आओ। अरे तुम आ गया। दिलावर क्या हुआ नौशीन को? नौशीन ठीक तो है ना? अरे कैरियत नहीं है, वो ठीक नहीं है। अगर वो ठीक होता तो हमको फोन करके बताना देता कि किधर है वो। हुआ क्या उसको? अरे वो कोमे में है। क्या? पूरा एक्सीडेंट हुआ है उसका, सर पे बहुत गहरा चोट आया है। ये सब उस नादिर ने किया है। अरे हमको नहीं लगता कि नादिर एक्सीडेंट करवा सकता है। अरे दिलावर वो कुछ भी करवा सकता है, वो कर सकता है ऐसा, वो ऐसा गुंडा। अरे अभी तुम छोड़ो, अभी चल के उसको देखो। आ जाओ हमारे साथ। नादिर को नहीं छोड़। शाहिद प्लीज, आप सबको बुलाने से गुरेज करें। अगर भाईजान को पता चल गया ना, मुझे वो यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाएंगे। अरे पर ये तो हमारा दोस्त फैसल है, और फैसल ये शानजी है, नौशीन का दोस्त। अरे तुम, तुम्हारा मतलब है इसने तुमको कवर किया है? नहीं, पर इनको पहले दिन से कवर था कि नौशीन का एक्सीडेंट हो गया, वही नौशीन के साथ था। ये इनका भाई आया था ना हमारे घर पर, वो दाढ़ी वाला, वो इनका भाई है। भाई? इसका मतलब तुम घर से भागा हुआ है? हाँ ना, कुछ ऐसे ही समझो। अरे तुम इसका भाई को इत्तला दो कि उसका बहन यहाँ बैठा है, क्या हो गया तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा प्लीज। अरे ऐसा कैसे? अरे बीबी, तुम्हारा भाई हमारे घर पुलिस लेके आया था। अब सुबह आएंगा तो उसको पता लगेगा कि तुम हमारे साथ है, तो हमारे घर दोबारा पुलिस लेके आएगा और केस कर देंगे हम पर कि हमने तुमको अगवा किया है। हाँ आप प्लीज बात समझने की कोशिश करें, सम्मत करें। शाहिद तो मेरी सारी सिचुएशन जानते हैं। अगर भाईजान को खबर हो गई ना, मुझे जबरदस्ती ले जाएंगे वो यहाँ से। लेकिन तू कौन है? क्यों ढूंढ रहे उसको? उसकी बहन और मेरी बहन दोनों दोस्त हैं, पर वो दोनों एक साथ गायब हैं। मैं तो समझा शायद ये लोग मुझे तरखाने के लिए ये बात कर रहे हैं। गायब हुआ ये पक्का रिपोर्ट है, शायद मर गया है। कौन? नौशीन? ये दुनिया पैसे का है, इसीलिए पैसा कमाओ पैसा। अरे इतना पढ़ लिख के ये बात तुम्हारा समझ में नहीं आया कि सारा दुनिया पैसे के पीछे भागता है और तुम यारों के पीछे? अब्बा अगर हम मुंह फेर गया तो फिर अच्छा दोस्त तो ना हुआ ना। इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, चार पैसा कमा, शादी वादी कर। आप जब से हैं ना, मुझे ही कोसे जा रहे हैं। अरे नहीं, हम आपको एहसास दिला रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें, मुझे एहसास है नौशीन का भी और अपनी गलती का भी। हमको भी तुम्हारे साथ हमदर्दी है। हाँ हमको मालूम है कितना हमदर्दी है तुमको हमारे साथ। अरे वो फैसल बता रहा था कि अल्लाह का शुक्र है तुम लोग का बहन मिल गए। हाँ वो ठीक है, एक्सीडेंट हो गया था। शाहिद, सद्दाम आ गया है, हम अंदर जा रहे हैं, तुम संभाल लो उसको, हम शांजे को देखते हैं। आप यहाँ? हाँ लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो इस ख्याल से चला आया था कि कहीं कोई हादसा ना पेश आया हो। उनको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? अरे हमको भी इसी बात का हैरत है। मैंने तो अपना फोन भी फेंक दिया था, फिर कैसे पता चला उनको? फिलहाल तो आपको कहीं और जाने का सोचना चाहिए। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं पे भी जाऊंगी ना तो भाईजान को पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम आपका काम करेंगा तो तुम हमारा क्या काम करेंगा? जो आप बोले। ठीक, हम बताएगा तुमको, पहले तुम्हारा काम हो जाए फिर हम तुमको बताएंगा। ये हमारा छोटा सा घर है, हम बड़ा बड़ा काम देखता है। क्या दिख रहे तुम? हाँ मैं बस ये दिख रही थी कि छोटे इलाकों में भी बड़े लोग पैदा होते हैं। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम इसको पसंद करता है, पर थोड़ा ख्याल करो, ये उसको ठीक होने दो, फिर अपनी अम्मा को भेज देना इसके घर, शायद मना नहीं करेगा। सच?
कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, ल्यारी से खिवाड़ी, ल्यारी से खिवाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी, दुनिया से घबराना क्या, मेहनत से शर्माना क्या, अब मुड़ कर ना खतरे को